हेलो बच्चों, कैसे सब लोग? बच्चों, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ओवरी वाले पार्ट के बारे में। ठीक है बच्चों, तो पहले ओवरी के सेक्शन को ध्यान से देखेंगे, उसको समझेंगे, फिर उसका डिजिटल वर्जन देखेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी की लाइनों को रीड आउट करेंगे, राइट? चलिए, तो ओवरी का जो सेक्शन है यहाँ पर दिखाया गया है, ओवरी का क्रॉस सेक्शन यहाँ पर दिखाया गया है। तो जैसे कि हमने देखा था कि दोनों जो ओवरी हैं वो साइड में ओवेरियन लिगामेंट की हेल्प से यूट्रस के साथ अटैच हैं। मान लो ये वाला पार्ट है ओवरी का, जो लिगामेंट वाले पार्ट के हेल्प से यूट्रस के साथ अटैच है, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो यहाँ पे अपने को ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे बच्चों अपने को ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही हैं। ये जो है ये अपने को ब्लड वेसल दिखाई दे रही हैं, आर्टरी वेन दिखाई दे रही हैं, प्लस इनके बीच में ऐसे ऐसे नर्व्स का सप्लाई भी होता है जो ओवरी को प्रोवाइड किया जाता है, राइट? बच्चों, वीडियो अगर अच्छे लगते हैं, कुछ समझ में आता है और रियली में लगता है कि आप क्वालिटी कंटेंट पढ़ रहे हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें अच्छा लगता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है और इनके लिए और बेहतर करने की ज़रूरत है, राइट? चलिए, तो ओवरी के ऊपर जैसे आपने बॉडी को खोल के यूट्रस देखा था और यूट्रस के ऊपर आपने जब हाथ लगाया था, तो मैंने कहा था कि वो एक विसरल एपिथीलियम होता है जिसको पेरिटोनियम कहते हैं। इसी प्रकार से आपने ओवरी निकाली बॉडी से और ओवरी के ऊपर जब आपने हाथ लगाया तो आप विसरल पेरिटोनियम पे, जो कि एक प्रकार का एपिथीलियम होता है, वहाँ पर हाथ लगा रहे हैं। इसका मतलब ये वाली जो लेयर होती है वहाँ पर हमने बताया था यूट्रस के अंदर कि बाहर वाली लेयर पेरीमेट्रियम होती है और पेरीमेट्रियम एक प्रकार का विसरल पेरिटोनियम या विसरल एपिथीलियम होता है। विसरल एपिथीलियम को ही विसरल पेरिटोनियम भी कहते हैं। देखो, अपनी जो एब्डोमिनल कैविटी है उसमें ऑर्गन से इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन के ऊपर जो एपिथीलियम है, इंटरनल ऑर्गन के ऊपर जो एपिथीलियम है वो विसरल एपिथीलियम और विसरल पेरिटोनियम होता है। अब एब्डोमिनल कैविटी में इंटरनल ऑर्गन रखे हैं, साइडों की जो जगह है और उस साइडों की जगह के ऊपर जो एपिथीलियम की कवरिंग होती है उसको पेराइटल पेरिटोनियम या एपिथीलियम कहते हैं। मतलब बॉडी की कैविटी में वो एपिथीलियम जो इंटरनल ऑर्गन के ऊपर है वो विसरल एपिथीलियम और विसरल पेरिटोनियम होता है, ये एक प्रकार का सिंपल एपिथीलियम ही होता है। और साइडों में जो है उसे पेराइटल पेरिटोनियम या पेराइटल एपिथीलियम कहते हैं। तो ये जो लेयर बच्चा आपको दिख जाएगी इसको आप बोलोगे विसरल पेरिटोनियम, इसको आप बोलोगे विसरल पेरिटोनियम या विसरल एपिथीलियम। उसके नीचे बेटा आपको एक एपिथीलियम का लेयर दिखाई देगा और इस एपिथीलियम का नाम होता है मेरा बेटा जर्माइनल एपिथीलियम, और ये जर्माइनल एपिथीलियम एक प्रकार का सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम होता है। और तुम्हें एक लेयर और नीचे की तरफ बेटा इसमें दिखाई दे रही है, इस लेयर को नाम दिया जाता है बच्चों ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया। तो ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया नाम की लेयर हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, ये लेयर यहाँ भी प्रेजेंट है। तो बाहर से अंदर आते हुए ओवरी के सेक्शन में अपने को क्या दिखाई देगा? बाहर विसरल पेरिटोनियम का लेयर, उसके अंदर जर्माइनल एपिथीलियम का लेयर, और उससे नीचे है बेटा ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया का लेयर। ठीक है, अब ओवरी के अंदर के पार्ट को, अब ये जो तीन लेयर हैं मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, मैंने तीनों को यहां पे बनाया, उसके बाद मैंने सिर्फ एक लेयर का इस्तेमाल किया है, बीच वाली लेयर का। अब बेटा जी ये वाला जो पार्ट तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट तुम्हें दिखाई दे रहा है ओवरी का, जो बाहर की तरफ का जो पार्ट होता है बच्चा, इस पार्ट को आप बोलते हो ओवेरियन स्ट्रोमा। क्या बोलते हो? ओवेरियन स्ट्रोमा। और ओवेरियन स्ट्रोमा का ये जो आउटर साइड पार्ट है इसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, ओवेरियन कॉर्टेक्स। यानी ओवरी के एपिथीलियम के अंदर के तरफ जितना भी मैटर है उसके लिए एक सिंगल वर्ड होता है ओवेरियन स्ट्रोमा, और ओवेरियन स्ट्रोमा का बाहर वाला पार्ट होता है ओवेरियन कॉर्टेक्स, और ओवेरियन स्ट्रोमा का अंदर वाला पार्ट होता है
ओवेरियन मेड्यूला। तो मोटे मोटे तौर पे एक बात हमें समझ में आई कि यार ये जो स्ट्रोमा है ये एपिथीलियम से नीचे का पार्ट है, ये जो स्ट्रोमा है ये एपिथीलियम से नीचे का पार्ट है, यानी ओवरी के अंदर का जो ल्यूमन है उसे ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं, और स्ट्रोमा में बाहर वाले पार्ट को कोर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाले पार्ट को ओवेरियन मेड्यूला कहते हैं। ओवेरियन मेड्यूला में एट्रेटिक फोलिकल्स होते हैं, वो फोलिकल होते हैं जो डैमेज हो चुके हैं, वो फोलिकल होते हैं जो नष्ट हो चुके होते हैं। देखो प्यूबर्टी के बाद फीमेल में एक ओवरी में 60 से 80 हजार प्राइमोर्डियल फोलिकल होते हैं, यानी कि प्राइमरी फोलिकल होते हैं। आप समझ लो एक ओवरी में 60 से 80 हजार प्राइमोर्डियल फोलिकल होते हैं, प्राइमरी फोलिकल होते हैं एक ओवरी में फीमेल के अंदर प्यूबर्टी के टाइम पे। और जब मेनोपोज आता है, जब बंद हो जाता है ओवुलेशन और मेंस्ट्रुअल, उस समय एक भी प्राइमरी फोलिकल नहीं होता, उस समय तक सारे फोलिकल खत्म हो चुके होते हैं, इसीलिए रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी भी खत्म हो जाती है मेनोपोज के समय आते आते तक, यानी लगभग 50 साल की उम्र तक। यानी जो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी है फीमेल में वो 13 साल से लेके आप 50 साल तक कह सकते हो, क्योंकि उसी समय तक ओवरी के अंदर फोलिकल प्रेजेंट होते हैं। अब आप बोलोगे सर प्राइमरी फोलिकल कितने, मैंने कहा एक ओवरी में 60 से 80 हजार, दोनों में कहेंगे तो डबल कर लेना। अब बोलोगे सर ये प्राइमरी फोलिकल में क्या चीज है, ये प्राइमरी फोलिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं और हर एक फोलिकल के अंदर एक एग होता है, हर एक फोलिकल के अंदर एक एग होता है, उसको कहा जाता है ऊसाइट। तो प्राइमरी ऊसाइट प्रेजेंट होता है हर एक फोलिकल में, कौन होता है प्राइमरी ऊसाइट प्रेजेंट होता है हर एक फोलिकल में। तो यानी 60 से 80 हजार प्राइमरी फोलिकल जिसके अंदर है प्राइमरी ऊसाइट प्रेजेंट है एक ओवरी में। तो मैंने ये प्राइमरी फोलिकल दिखाया बेटा, और इसमें जो गोला सा दिखाया है ये प्राइमरी ऊसाइट है, जो कि आप कह सकते हैं एग है, ठीक है। उसके बाद हर महीने इतने सारे फोलिकलों में से, हर महीने इतने सारे फोलिकलों में से एक फोलिकल का नंबर आता है मैच्योर होने का, कि वो बड़ा होके क्या बनेगा, वो बड़ा होके सेकेंडरी फोलिकल बनेगा। और ये ध्यान रखना ये डेवलपमेंट एक बार एक ओवरी में होती है लेफ्ट साइड में, मान लो अगले महीने राइट में, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में, इस तरीके से वन बाय वन यूजुअली होती है। किसी में एक ही ओवरी है तो सारा डेवलपमेंट एक ही ओवरी के अंदर होगा, नहीं तो एक महीने डेवलपमेंट इस ओवरी में, अगले महीने दूसरे में, तीसरे महीने फिर से पहले वाली में, ये जो डेवलपमेंट मैंने दिखाई है। एनीवे तो यानी प्राइमरी फोलिकल की भरी हुई है ओवरी, और ओवरी के प्राइमरी फोलिकल में एक अंडा है छोटा सा जिसका नाम है प्राइमरी ऊसाइट। अब प्राइमरी ऊसाइट जो है, अब जब ये फोलिकल मैच्योर हुआ थोड़ा सा बड़ा हुआ, इसके ऊपर एक्स्ट्रा लेयर डिपॉजिट हो जाती हैं, और एक्स्ट्रा लेयर डिपॉजिट होने से बेटा इसका नाम बन जाता है सेकेंडरी फोलिकल। अब अपने को ये जो सेल इसके ऊपर दिखाई दे रही है बेटा, अपने को ये जो सेल दिखाई दे रही है बेटा, इसको बोलते हैं फोलिकुलर सेल। क्या बोलते हैं? फोलिकुलर सेल। तो कुछ फोलिकुलर सेल जब ऐड हो जाती है प्राइमरी फोलिकल के ऊपर तो वो सेकेंडरी फोलिकल में चेंज हो जाता है, लेकिन इसके अंदर जो अंडा है वो अभी भी प्राइमरी ऊसाइट ही कहलाता है, क्योंकि अभी उसमें डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब यहां पे ध्यान बात आपको रखनी है कि जो सेकेंडरी फोलिकल है उसमें कौन सा एग होता है। आप बोलोगे सर जी प्राइमरी ऊसाइट होता है, प्राइमरी ऊसाइट एग की ओवा की एक स्टेज का नाम है, तो इसमें प्राइमरी ऊसाइट होता है। प्लस यहां पे हमें एक चीज और देखने को मिल जाती है बच्चों, और वो चीज है थीका फॉर्मेशन। थीका फॉर्मेशन, थीका फॉर्मेशन एक लेयर होती है ऊसाइट के ऊपर, तो थीका फॉर्मेशन की यहां पे शुरुआत हो जाती है, स्टार्टिंग हो जाती है। क्वेश्चन आते बेटा कि कौन से फोलिकल में कौन सा ऊसाइट है, बोलेंगे प्राइमरी ऊसाइट। अब प्राइमरी ऊसाइट के ऊपर बाहर की तरफ से एक लेयर बन गई है, इस लेयर को बोलते हैं बेटा थीका लेयर। तो प्राइमरी ऊसाइट के ऊपर थीका फॉर्मेशन हो जाता है कब, थीका फॉर्मेशन हो जाता है कब, जब ऊसाइट सेकेंडरी फोलिकल में मौजूद था, ठीक है। अब ये वाला जो फोलिकल है बच्चा, अब ये और बड़ा हुआ, अब ये बड़ा होने के बाद ये जो फोलिकल बन गया, आप देखेंगे और भी लेयर ऐड हो गई है।
जब और फोलिकुलर लेयर ऐड हो जाती हैं, तो अब इस फोलिकल का नाम बच्चा हो जाता है टर्सरी फोलिकल। क्या नाम हो जाता है? टर्सरी फोलिकल। लेकिन यहां पर जब ये टर्सरी फोलिकल में होता है, इसके अंदर पड़ा हुआ प्राइमरी ऊसाइट मियोसिस वन पूरी कर लेता है। जी हां, मियोसिस वन पूरी कर लेता है और वो चेंज हो जाता है सेकेंडरी ऊसाइट में, और ये सेकेंडरी ऊसाइट मियोसिस टू में एंटर हो जाता है। लेकिन मियोसिस टू में एंटर होने के बाद मेटाफेज टू जो है उसमें अरेस्ट हो जाता है। तो सेकेंडरी ऊसाइट अरेस्टेड इन मेटाफेज, अरेस्टेड इन मेटाफेज टू। तो ध्यान रखेंगे, तो क्वेश्चन आता है मियोसिस वन जब कंप्लीट होती है प्राइमरी ऊसाइट में, तो वो सेकेंडरी ऊसाइट में बदल जाता है, और जब ये काम होता है ऊसाइट में, उस समय ऊसाइट कौन से फोलिकल में पड़ा था? आंसर, टर्सरी फोलिकल में पड़ा था। तो यानी हम कह सकते हैं कि टर्सरी फोलिकल के अंदर जो प्राइमरी ऊसाइट है, जो प्राइमरी ऊसाइट है, एक मिनट, टर्सरी फोलिकल के अंदर जो प्राइमरी ऊसाइट है वो अपनी मियोसिस पूरी कर लेता है, कंप्लीट इट्स मियोसिस, कंप्लीट इट्स मियोसिस वन। समझेंगे बात को। ये मियोसिस वन शुरू पता कब हुई थी? एम्ब्रियोनिक स्टेज में शुरू हुई थी। इस चीज को मैं डिटेल में समझाऊंगा फीमेल की ओजेनेसिस जब समझेंगे। अभी तो तुम इतना बस ध्यान रखो कि फोलिकल में अंडा है, ऊसाइट है, और ये ऊसाइट ने मियोसिस वन शुरू कर रखी है, लेकिन वो मियोसिस वन पूरी नहीं हो रखी, क्योंकि प्राइमरी ऊसाइट मियोसिस के प्रोफेज वन में अरेस्टेड होता है। लेकिन जब फोलिकल बड़ा होता हुआ, मैंने बताया इतने सारे फोलिकल में हर महीने एक फोलिकल डेवलप होगा, तो मान लो ये फोलिकल डेवलप होकर सेकेंडरी फोलिकल बना, फिर टर्सरी फोलिकल बना। जैसे टर्सरी फोलिकल बनता है तो उसके अंदर बैठे हुए ऊसाइट को सिग्नल मिलता है, और वो प्राइमरी ऊसाइट जो कि अपनी प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्टेड था, वो ट्रिगल मिलते ही अपनी मियोसिस वन पूरी करके सेकेंडरी ऊसाइट में चेंज हो जाता है, और सेकेंडरी ऊसाइट मियोसिस टू शुरू कर लेता है, लेकिन मेटाफेज टू में अरेस्ट हो जाता है। ध्यान रखेंगे, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है? तो टर्सरी फोलिकल में क्या सिचुएशन है? टर्सरी फोलिकल के अंदर जो प्राइमरी ऊसाइट है वो अपनी मियोसिस वन पूरी कर चुका है, जो शुरू हुई थी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, ठीक है? अब वो मियोसिस वन कंप्लीट कब हुई? जब सेकेंडरी से टर्सरी फोलिकल बना तब कंप्लीट होगी। जब भी सेकेंडरी से टर्सरी फोलिकल बनेगा, उसके अंदर पड़े हुए प्राइमरी ऊसाइट की मियोसिस वन पूरी होके उसमें सेकेंडरी ऊसाइट बन जाएगा। इसका मतलब टर्सरी फोलिकल के अंदर जो ऊसाइट है वो है सेकेंडरी ऊसाइट, जो मियोसिस वन पूरी कर चुका है और मियोसिस टू में एंटर हो चुका है, और एंटर होते ही मेटाफेज टू में वो रुक चुका है। एनीवे, क्वेश्चन आता है टर्सरी फोलिकल में कौन है? सेकेंडरी ऊसाइट है, मियोसिस टू में, मेटाफेज टू में अरेस्टेड है। प्राइमरी ऊसाइट अपनी मियोसिस वन को पूरी करता है जब वो टर्सरी फोलिकल के अंदर होता है, और यहां पे बच्चों देखो एक कैविटी सी बन जाती है, और इस कैविटी में लिक्विड होता है, और इस कैविटी को बेटा कहते हैं एंट्रम। इस कैविटी को क्या कहते हैं? एंट्रम, ठीक है? तो यहां पे एंट्रम की फॉर्मेशन हो जाती है। ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन आता है एंट्रम कब बनता है? एंट्रम एक कैविटी होती है जो के टर्सरी फोलिकल के अंदर बनती है, और ये फिल्ड होती है, ये भरी हुई होती है एक लिक्विड के साथ, जिसको फोलिकुलर फ्लूइड कहते हैं, जिसको फोलिकुलर फ्लूइड कहते हैं। और खास बात टर्सरी फोलिकल में क्या है बेटा, और ये बात है कि ये जो सेकेंडरी ऊसाइट है जिसके ऊपर थीका तो पहले ही बन चुका था, अब ये थीका डिवाइड होकर एक्सटर्नल और इंटरनल थीका बना देता है। यानी थीका जो है, थीका बताया था ना कि ऊसाइट के ऊपर एक बाहर लेयर बनी हुई है, ये जो थीका है ये डिवाइड होके, थीका डिवाइड इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल थीका, एक्सटर्नल एंड इंटरनल थीका। इसका मतलब थीका का डिवीजन कब हुआ?
ठीक है, दो पार्ट में कब डिवाइड हुई, मेरा बेटा सेकंड जो ग्राफियन फोलिकल है उसको मैं डिटेल में समझाऊंगा एक डायग्राम की हेल्प से, अभी जितना समझा रहा बस उतना समझने की कोशिश करो। तो एनीवे टर्शरी फोलिकल में सेकेंडरी ओसाइट बन गया है जो कि मेटाफेज टू में अरेस्टेड है, जो प्राइमरी ओसाइट में मियोसिस वन पूरी होने से बना है, इसीलिए मैंने लिखा टर्शरी फोलिकल के ब्रैकेट में सेकेंडरी ओसाइट। इसमें एंट्रम बन गई है, ये कैविटी जो लिक्विड की भरी होती है, फोलिकुलर फ्लूइड एक तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। और जो सेकेंडरी फोलिकल में क्या बना था, थीका बना था ओसाइट के चारों तरफ, और ये ओसाइट के चारों तरफ का थीका डिवाइड हो गए, एक्सटर्नल इंटरनल थीका में डिवाइड हो गया है। ये क्वेश्चन आते हैं कब क्या काम हुआ। एनीवे अब जैसा टर्शरी फोलिकल होता है बिल्कुल उसी जैसा होता है आपका ग्राफियन फोलिकल। क्या होता है? ग्राफियन फोलिकल, ग्राफियन फोलिकल। बस फर्क ये होता है इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, लगभग 400 माइक्रोमीटर का साइज होता है। तो यानी जो टर्शरी फोलिकल होता है लगभग सेम ही ग्राफियन फोलिकल होता है, सिर्फ उसका साइज बड़ा होता है, उसमें फोलिकुलर सेल का जो मास है, जो बाहर की तरफ से सेल ढके हुए हैं, ये ज्यादा होती है, राइट। एनीवे अब साइकिल का जो 14th डे होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14वां दिन होता है साइकिल का, अगर 28 दिन का साइकिल हो तब की बात कर रहा हूं, तो साइकिल का जो 14वां दिन होता है तो ओवरी की जो वॉल होती है वो कुछ लाइसोजाइम की हेल्प से रप्चर हो जाती है, और ओवरी की वॉल टूटने से यहां पे जो ओसाइट प्रेजेंट है वो रिलीज होके फलोपियन ट्यूब में आ जाता है, इसे कहते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन साइकिल के 14th डे होता है, और ओवुलेशन होने पे हम ये कह सकते हैं बच्चा, ओवुलेशन होने पे हम ये कह सकते हैं बच्चा कि जो सेकेंडरी ओसाइट है किसमें अरेस्टेड था, मेटाफेज टू में, कंप्लीट नहीं हुआ है इसका मियोसिस टू, ध्यान रखेंगे सेकेंडरी ओसाइट मियोसिस टू शुरू कर चुका है बट पूरी नहीं हुई है, मेटाफेज टू में अरेस्टेड है। एनीवे ये मेटाफेज टू में अरेस्टेड सेकेंडरी ओसाइट आ गया कहां पर, ओविडक्ट के अंदर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ओवुलेशन के समय, राइट। और इस सेकेंडरी ओसाइट के ऊपर दो लेयर हमें देखने को मिलती हैं, इस पे अपने को एक लेयर दिखती है जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा। तो जोना पेल्यूसिडा इस पे हमें लेयर दिखती है, और इस पे एक लेयर और दिखती है जिसका नाम होता है कोरोना रेडिएटा, जिसका नाम होता है कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा आउटर लेयर होती है, और जोना पेल्यूसिडा इससे थोड़ा अंदर की तरफ होती है, इनर लेयर होती है। तो आप बोलोगे सर थीका कहाँ है, थीका बेटा इससे भी नीचे होता है। एनीवे आप ये कह सकते हो इस डायग्राम में ये बिल्कुल जो बाहर वाली लेयर है ये है कोरोना रेडिएटा, और कोरोना रेडिएटा के नीचे होती है, कोरोना रेडिएटा के नीचे होती है जोना पेल्यूसिडा, और उसके नीचे होती है थीका लेयर, एक्सटर्नल और इंटरनल थीका। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी, राइट। चलिए एनीवे तो सेकेंडरी ओसाइट के ऊपर, सेकेंडरी ओसाइट के ऊपर अपने को दिख रही है कौन सी लेयर, जोना पेल्यूसिडा, और अपने को लेयर दिख रही है कोरोना रेडिएटा। तो कोरोना रेडिएटा बाहर की तरफ है, उससे नीचे जो है सेकेंडरी ओसाइट के ऊपर जोना पेल्यूसिडा होती है, राइट। ठीक है अब थीका लेयर है, इसमें थीका लेयर यहां पे दिखाई नहीं दे रखी है, ठीक है। तो आगे हम ग्राफियन फोलिकल का डिटेल में स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें आपको थीका लेयर अच्छे से दिखाई देगी, ठीक। चलिए एनीवे तो ये रप्चर होने से क्या हो गया, ओवुलेशन। अब ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये बचा हुआ पार्ट बेटा, ये बचा हुआ पार्ट बेटा, इसका नाम होता है कॉर्पस हिमोरेजिकम, इसका नाम होता है कॉर्पस हिमोरेजिकम, क्योंकि इसमें थोड़े से ब्लड के स्पॉट होते हैं। तो यानी ओवुलेशन के बाद जो सेकेंडरी ओसाइट है उसके ऊपर पहली लेयर जोना पेल्यूसिडा, उसके ऊपर कोरोना रेडिएटा, ये तो निकल गया। जो थीका लेयर है वो बाद में ग्राफिन फोलिकल का डायग्राम दिखाएंगे, वहां पे तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा थीका लेयर कहां पर थी और ओवुलेशन के बाद उनका क्या होगा। वो अंदर की तरफ नहीं होती, बाहर की तरफ होती है, शायद मैंने पहले अंदर की तरफ बोला था, बाहर की तरफ होती है, आगे डायग्राम दिखाऊंगा मैं। एनीवे तो ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन में ये क्या है, ये सेकेंडरी ओसाइट है,
जिसमें मैंने बताया अंदर जोना पेलुसिडा, बाहर में कोरोना रेडिएटा है, ठीक है। अभी थीका लेयर इसमें मत ढूंढो, दो लेयर पे फोकस करो। सेकेंडरी ओसाइट, अंदर जोना पेलुसिडा, बाहर कोरोना रेडिएटा, रिलीज होके ओविडक्ट में आ गया, जिसको हम ओवुलेशन कहते हैं। और ये जो फोलिकुलर सेल का मास, ये जो फोलिकुलर सेल का जो मास है, ये अंदर रह जाता है और जो बनाता है कॉर्पस हेमरेजिकम, यानी बाहर जो फोलिकल्स की लेयर थी, बाहर जो फोलिकल्स की लेयर थी, ये फोलिकल की लेयर ही कॉर्पस हेमरेजिकम बनाती हैं, और बाद में ये मॉडिफाई होके बनाता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम येलो से कलर का होता है, इसीलिए इसको बोल देते बेटा येलो बॉडी। क्या बोल देते हैं? येलो बॉडी। और फाइनली फाइनली अब कॉर्पस ल्यूटियम का जो समय, जो उम्र होता है, इसका जो एज होता है, आप कह सकते हो लगभग 10-12 दिन होता है। तो यानी ओवुलेशन होने के 10-12 दिन तक, ओवुलेशन होने के 10-12 दिन तक जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, ओवुलेशन होने के 10-12 दिन तक जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो पड़ा रहता है ओवरी के अंदर और सिक्रीट करता रहता है कई सारे हॉर्मोन। इसीलिए कॉर्पस ल्यूटियम एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड आप कह सकते हो एक तरीके से। तो कॉर्पस ल्यूटियम ओवुलेशन होने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम 10-12 दिन तक ओवरी में पड़ा रहता है और सिक्रीट करता रहता है कई सारे हार्मोन, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इनिबिन और एक हार्मोन रिलैक्सिन, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करता है। उसके बाद 10-12 दिन के बाद अब ये हार्मोन क्यों सिक्रीट कर रहा है? क्योंकि इसने जो सेकेंडरी ओसाइट भेजा है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बनेगा। तब तक बॉडी ये सोच के चलती है कि चांस है कि इम्प्लांटेशन हो जाए, चांस है कि जो जाइगोट से फिर अर्ली एम्ब्रियो बनेगा वो यूट्रस की दीवार से चिपक जाएगा। इसलिए यूट्रस के एंडोमेट्रियम को मजबूत, सुरक्षित, सेफ, हाईली वेस्कुलर, ठीक बना के रखना होता है, ताकि जब तक फर्टिलाइजेशन के लगभग आप कह सकते हो 6-7 दिन बाद, फर्टिलाइजेशन से लगभग 6-7 दिन बाद यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन के लिए पहुंच जाता है अर्ली एम्ब्रियो। तो यूट्रस में इन्वायरमेंट हेल्दी होना चाहिए, एंडोमेट्रियम थिक होना चाहिए, ताकि अर्ली एम्ब्रियो उसके साथ चिपक सके। और वो एंडोमेट्रियम को हेल्दी करने का काम कॉर्पस ल्यूटियम से निकलने वाले हॉर्मोन्स करते हैं। एंडोमेट्रियम से एंडोमेट्रियम को फेवरेबल बनाने का काम, यानी यूट्रस के अंदर फेवरेबल एनवायरमेंट इम्प्लांटेशन के लिए, वो कॉर्पस ल्यूटियम के हार्मोन करते हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन वगैरह। समझे ना मेरी बात? तो इसीलिए ये कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन सेक्रेट करता रहता है। बाद में पता चला कि यार इम्प्लांटेशन तो हुआ ही नहीं या फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं। जब इम्प्लांटेशन नहीं हुआ या फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो एंडोमेट्रियम मोटा बनाया है उसका कोई फायदा नहीं है। तो धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाता है, हार्मोन का सपोर्ट डिक्रीज हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के लेवल कम हो जाते हैं और फिर से एंडोमेट्रियम टूट जाता है और मेंस्ट्रुअल फ्लो के रूप में बाहर निकल जाता है। और यहां पे अपना बेचारा कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि हार्मोन सिक्रीट करने के लिए बैठा था इधर, ताकि प्रेगनेंसी को यह सपोर्ट कर सके, तो इसका भी अब तो कोई काम नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं या फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, तो कॉर्पस ल्यूटियम का बेटा कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये धीरे धीरे डिजनरेट हो जाता है और जो डिजनरेटेड कॉर्पस ल्यूटियम होता है उसको कॉर्पस एल्बिकैन कहते हैं। और कॉर्पस एल्बिकैन के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज वाइट बॉडी। तो इसको कहते हैं वाइट बॉडी। तो एनीवे ये पूरी कहानी मैंने बड़ा अच्छे से, शानदार तरीके से तुम्हें समझाई है। तो ये कोर्टेक्स, यानी हम कह सकते हैं कोर्टेक्स के अंदर अलग अलग स्टेज के फोलिकल्स होते हैं, अलग अलग स्टेज के ऊसाइट होते हैं। मेड्यूला के अंदर एट्रेटिक फोलिकल्स होते हैं, डैमेज्ड फोलिकल्स होते हैं, क्योंकि मैंने बताया जब ये ओवरी के अंदर, मैंने बताया 60-80 हज़ार फोलिकल पड़े हुए हैं। अब एक किसी लकी फोलिकल का नंबर आता है मैच्योर होने का, तो जब लकी फोलिकल का नंबर आता है मैच्योर होने का, इस प्रोसेस के तहत बहुत सारे फोलिकल मैच्योर होने की कोशिश करते हैं, सबसे हेल्दी फोलिकल को बॉडी सेलेक्ट कर लेती है और वो मैच्योर हो जाता है। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान बहुत सारे फोलिकल हर बार डैमेज होते रहते हैं। तो ये कहा जाता है कि लगभग जब एक फोलिकल डैमेज हो जाता है तो तकरीबन एक फोलिकल जब मैच्योर होता है तो तकरीबन 20 फोलिकल नष्ट हो जाते हैं।
तो इसीलिए धीरे धीरे मेनोपॉज तक आते आते ये सारे फोलिकल ही डैमेज हो जाते हैं, यानी कुछ फोलिकल तो मैच्योर हो चुके हैं और जो मैच्योर नहीं हुए वो डैमेज हो चुके हैं। तो डैमेज फोलिकल का जो मास होता है वो मेडुलर रीजन में पड़ा होता है। मेरी ख्याल से मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि हजारों फोलिकल हैं, इनमें से बॉडी हेल्दी फोलिकल को मौका देती है मैच्योर होने का, तो यानी हर बार हर साइकिल में बहुत सारे फोलिकल नष्ट होते रहते हैं, जिसको फोलिकुलर एट्रीसिया कहते हैं, और इन फोलिकल को बेटा एट्रैक्टिक फोलिकल्स कहा जाता है, राइट। चलिए, ओवुलेशन के बाद मैंने बताया सेकेंडरी ओसाइट बाहर आ जाएगा, उसके ऊपर दो लेयर होती हैं, जोना पेलुसिडा कोरोना रेडिएटा। थीका लेयर को फिलहाल भूल जाओ, थीका लेयर यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देंगी। ध्यान रखें, शायद मेरे से पहले मैंने बताया था कि थीका लेयर जोना पेलुसिडा के अंदर नहीं, बिल्कुल नहीं। जोना पेलुसिडा, उससे ऊपर कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा के नीचे सेकेंडरी ओसाइट, थीका लेयर जो हैं वो भी खत्म हो चुकी होती हैं, ठीक है। कैसे, अब देखेंगे